आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि जीएस के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और यह है सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। जो लोग नए हों चैनल पर, वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत करने जा रहे हैं हम। भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसको हस्तलिखित किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर दो है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि रानीगंज जो कोयला खान है भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका गुफा। और ये आपको बता दें कि ये भीमबेटका जो गुफा है, यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर चार है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी बौद्ध समिति हुई थी आपकी वैशाली में हुई थी आपकी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर पाँच का ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदियाँ। क्वेश्चन नंबर छः है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन है प्रश्न नंबर छः का ऑप्शन नंबर बी, रामदास, यानी कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास को दी थी। क्वेश्चन नंबर सात है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर सात का डी ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर आठ है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका गठन किया गया था कानपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर नाइन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नौ का सी, अनुग्रह नारायण। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर दस है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो क्वेश्चन नंबर दस का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, महात्मा गांधी ने बोला था, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसे कहा था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी एन राव। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे ये संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 मेंबर थे इसमें अंबेडकर को लगा के। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया था,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये हुआ था सन है इसकी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, यानी कि कौन सा चुनाव जो है चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो 16 का राइट ऑप्शन है स्थानीय निकायों का चुनाव, क्योंकि ये चुनाव आपके राज्य से संबंधित हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ है? 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुन्तल नापा जाता है? इसका आंसर है चेन्नई। ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 20 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है बंदर पूंछ, यानी कि ये उत्तराखंड राज्य में लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बस्तर में है ये। और इसके बाद क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा? तो 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामो। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारी जल को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है D2O। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दंत बल्क। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्त क्षीणता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 2003 चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, रियो में, यानी कि रियो डी जेनेरो इसका पूरा नाम है, ये ब्राजील देश में लगता है, ये शहर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो 30 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सभी। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? 31 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, IRDPV है और TRISEM है, NREPV, तीनों ही शामिल किए जाते हैं गरीबी दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, कन्नौज में इत्र एवं तेल के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स विल्सन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो 36 का राइट ऑप्शन है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 37। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है ये सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 38 का राइट ऑप्शन है 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को प्रतिवर्ष। तो ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार की आपको वीडियो इसके बाद आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें आप लोग। धन्यवाद।